एमयू क्यों नहीं हुआ? एमयू में सब कुछ चाह रहा है कि एमयू नहीं हो। एमयू होगा, यहाँ के बच्चे पंता खाकर भात खा करके पढ़ लेंगे, और पढ़ाई का दुश्मन है सब, शिक्षा का दुश्मन। जब शिक्षा ले लेगा हमारे यहाँ का बच्चा तो हो सकल आ जाएगा। हम दूसरे के पार्टियों पर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देकर टिकट भी खरीदते हैं, फिर उसका इलेक्शन लड़ते हैं और उसके तावे रहते हैं। आज एक छोटी सी पार्टी वीआईपी हो या हम हो या कोई भी हो, एक कैंडिडेट अगर जीतता है तो सरकार में शामिल होकर के मंत्रालय ले लेता है। बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, टिकट खरीद कर सिर्फ एमएलए बनना चाहते हैं कि हमारा अपना जिंदगी सुधर जाए, मेरा परिवार का 10 साल का मतलब जिंदगी भर हमारा पोता तक हिफाजत में हो जाए। हैदराबाद से भी जो पार्टी आई, वो पार्टी क्या किया आपने, 8 साल आपका रहा, 8 साल, 8 साल से ज्यादा हो गया आने का, उन्होंने आप तक क्लिनिक खोला, यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, डिग्री कॉलेज खोल देंगे टेरागाच में, क्या हुआ? 5-5 सीटें मिली आपको, चला गया, भाग गया, उसको भी संभाल नहीं पाया आप, क्यों? दूसरी पार्टी आपको खरीदना, आपके विधायक को खरीद सकती है, लेकिन आपको शामिल नहीं कर रहा, क्यों? ये एक काउज पता कीजिए, वजह है उसका नाम में इतिहादुल मुस्लिमीन। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को इतिहाद कहते हैं, हिंदू कहा जाएगा भाई? आप सोच ही नहीं रहे उतना। आप हमेशा सोचेंगे हम झोला ढोएंगे दूसरे पार्टियों का, कुर्सी लगाएगा, माइक सजाएगा, उन लोगों के लिए वो हेलीकॉप्टर से आएगा, भाषण देकर निकल लेगा। क्या आपके अंदर में, आपके बेटा के अंदर में वो चीज नहीं है कि आपका बेटा भी हेलीकॉप्टर में जाके बैठे? ठीक है, मैं उसी पार्टी में जाऊंगा, राजद में जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा, तो जाऊंगा तो मैं अपना हिस्से अलग होगा, मेरा कुर्सी अलग लगेगी, ना कि आप कुर्सी पे बैठ के पैर पे पैर रखे, मैं यहाँ बेंच पे बैठा रहा हूँ। बिल्कुल, ये जमीन हमारा गवारा नहीं, बाकी लोगों का दे, ठीक है, आटा चावल के लिए वोट देना दीजिए। सीमांचल में लगभग 24 सीट है, 24 सीट पे अगर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और उसके लिए अगर मेहनत करेंगे, सब जितना मैंने नाम लिया राजनेता वो सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि सीमांचल के राजनेताओं के बगैर कोई सरकार बन जाए। इम्पॉसिबल है, सीमांचल में 24 सीट के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना सकती है। ये कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर आए हुए थे बहादुरगंज, आपकी इसमें एक तस्वीर भी थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी, और आज आप अपने खुद का पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उस तस्वीर के बारे में जो आप? फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों का अपना क्या वजूद है, वही बताया। अच्छा, जन स्वराज के जो पीके साहब हैं वो खुद वहाँ पे बताया कि आपका क्या है, आप तो दूसरे पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, वही आदमी बता रहा है जो भी वो भी पार्टी बनाने जा रहा है, समझे मेरी बात को? तो कहीं उधर से ही मोटिवेट नहीं, मोटिवेट तो हम पहले से, आज हम मोटा मोटी 2009 से हम लोग चाह रहे हैं कि एक पार्टी हमारा हो। 2009 कांग्रेस पार्टी ने बहुत धोखा दिया, दिया नहीं। अब एमयू को फंड अगर चाहता, 2011 में हमको जमीन मिली है ना दिसंबर में, 2014 तक तो आप ही रहे, 14 में बीजेपी आया, तो आप 2.5 साल में 1 रुपया का फंड रिलीज नहीं किया साहब, हमारा फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, 400 करोड़ का वादा करके आपने 4 रुपया नहीं दिया, जब फिर इलेक्शन का टाइम आया तो वहाँ शिलान्यास करने के लिए आ गई। मुशफिकुर रहमान साहब से अगर पूछा जाए कि अगर वो अपने पार्टी लॉन्च करते हैं अपने सीमांचल में, तो सबसे पहला मेन फोकस किस पर रहेगा और विचारधारा क्या रहेगी इस पार्टी की? स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में, मैं हूं फिरदौस गरी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव 2025 बहुत अनकरीब है और चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं, लेकिन अभी हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं, वसीकुर रहमान साहब जो कि बहादुरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि है, हम इनके साथ बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, चाहे बहादुरगंज नगर पंचायत को लेकर हो या फिर आने वाले चुनाव को लेकर हो। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई, आपका केडीबी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तक चल करके मेरा बातों को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आए, ये आपके जी मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका। सर अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बाकी आप नगर पंचायत का मुख्य पार्षद का प्रतिनिधि है नगर पंचायत से, तो आप जब इलेक्शन हुआ था नगर पंचायत का, अब तब से अब तक जी क्या कैसा चल रहा है पंचायत आपका बहादुरगंज नगर पंचायत? मेरे हिसाब से और मैंने जो अब तक 2 साल अभी पूरे मुकम्मल नहीं हुए हैं, दिसंबर में होने वाला जी होने वाला है जी। 2 साल में मैंने अब तक जितना काम किया, पिछले 22 साल में इतना काम बहादुर नगर पंचायत में नहीं हुआ था। 22 साल में नहीं हुआ था? पिछले 22 साल जी में। जब से नगर पंचायत बना, मतलब काम का एक रिकॉर्ड बन चुका है, लोग देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सराहते नहीं है क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कितनों कर लीजिए फिर आपको नीचे दिखाने का कोशिश और कमी निकालने का कोशिश करेगा। मैंने बिल्कुल प्रयास किया, जो मैंने वादे किए उस वादे पर मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ, और जो जो किया था लगभग मेरा 60% अब तक मुकम्मल हो चुका है। कुछ वादे जो मैंने किए थे जो अभी उसमें कठिनाइयाँ हो रही है, जैसे बहादुरगंज का जाम को लेकर के सबसे बड़ा कठिनाई है। बहादुरगंज के जाम को हमने पहल भी किया, वादा भी किया था और पहल भी किया। मैंने वहाँ ट्रैफिक गार्ड तो पहले नहीं देखे होंगे आप कभी, मैंने आते ही उसको जाम खत्म करने के लिए ट्रैफिक गार्ड को रखवाया। अभी है? अभी भी है। अच्छा, ट्रैफिक गार्ड को यहाँ के लोग तरजीह नहीं देते हैं और ना ही
रूल को, ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं जहाँ तहाँ, चाहे चाहे वो टोटो वाला अभी भी दिखा जाता है कभी कभी जाम लगा हुआ रहता है, बिल्कुल ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करने की वजह से होता है। तो इसको आपने बाइक लेके गया, बाइक रोड पे खड़ी कर दी, गप लगा दी, ये ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं है। चालान काटना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस चालान काटते हैं, पुलिस प्रशासन उसमें कुछ ध्यान नहीं दे रही है। कितनों बार मैंने लिख के दिया एसपी साहब को कि ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है, तो बोला कि अभी टाइम लगेगा, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये कह के हम लोग को टाला जा रहा है। फिर हम लोगों ने प्राइवेट अपने नगर के द्वारा गार्ड को रखा गया, गार्ड काम कर रहा है, लेकिन गार्ड को क्योंकि वो प्राइवेट है तो गार्ड को लोग मतलब कई बार मारपीट हो गई, सीरियस नहीं मारपीट भी हो गई, गार्ड को मार दिया कितने बार ने। अच्छा, यहाँ के लोग मतलब सिविलाइज्ड जिसको बोलते हैं आदर्श नागरिक होने का सबूत नहीं दे रहा है, कुछ लोग हैं, बाकी लोग तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को परेशानी हो रही, कुछ लोग कुछ मनचले लोग हैं, इस तरह उचक के लोग हैं। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि जाम को खत्म करने के लिए सिर्फ गार्ड के भरोसे नहीं, खुद से अपना प्रयास करे कि कहीं अननोन जगह में जा करके उसको गाड़ी ना लगा दे, फोन पर बात ना करे, उस हिसाब से पार्किंग ना लगाए। कुछ दुकानदार फुटकर भाई हैं जो कि बस वहीं पे दुकान लगाना चाहते हैं, मतलब रोड को आधा कैप्चर तो वही लोग कर लेते हैं, दुकान है, दुकान है उनकी, आगे में वो 60-70 फीट तक अपने दुकान का सामान लगाता है, जबकि रोड की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, किशनगंज में अब तक कोई भी लाइट, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है, जबकि पड़ोसी जिला पूर्णिया में है, तो किशनगंज में ये ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास जाता है, तो आपकी तरफ से कुछ पहल की गई है क्या ऐसा? जब किशनगंज तो नगर परिषद है, हम लोग नगर पंचायत में आते हैं, तो नगर परिषद में जब नहीं है तो हमारा नगर पंचायत में कैसे होगा? और होना चाहिए, ये हमारे प्रशासनिक या हमारे जो व्यवस्था जो संभाल रहे हैं इसको, एसपी साहब, माननीय हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब, इन लोगों को पहल करनी चाहिए कि ट्रैफिक बढ़ रहा है और ट्रैफिक रूल लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस चाहिए। जिला में नहीं है, हमारे नगर पंचायत बहादुरगंज में नहीं है, मैंने लिख के एसपी साहब को दो बार दिया, बड़ी एंट्री जो नो एंट्री के लिए बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए दिया, उसका हमको अभी तक परमिशन नहीं दिया जा रहा है, दो बार अब तक लिख चुका। ये कुछ कमियां हैं हमारे आला अधिकारियों और हमारे ऊपर जितने भी माननीय सांसद हो या हमारे विधायकगण हो, इन लोगों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, आपके तरफ से कहा जाता था कि इलेक्शन के समय में कि बाईपास बनाया जाएगा इसको, ट्रैफिक को कम करने के लिए, जी जी। तो बाईपास के बारे में, बाईपास के लिए उसका नक्शा वगैरह सारा चीज बन चुका है, अप्रूव नहीं हो पाया अब तक, सरकार द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। अच्छा, अप्रूव नहीं किया गया जी, आपके तरफ से पहल की गई, पहल की गई, हमारे माननीय विधायक जी भी पहल किए, फिर भी अप्रूव नहीं हुआ। अगर वो बन जाता, बनेगा आज नहीं कल तो बनेगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। बाकी ये और भी वादा किया गया था आपके, जब इलेक्शन जीते भी थे और जीतने से पहले भी, कि शिक्षा पर काम किया जाएगा, स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा, बाकी और भाई कचरा उठाव पर भी काम किया जाएगा, बहादुरगंज स्वच्छ बहादुरगंज बनाया जाएगा नगर, तो क्या कहाँ तक वो सब देखिए प्रोसेस हुआ है? स्वच्छ भारत में आप जाइए बहादुरगंज को, अभी एक बार कैमरा आप घुमाइए और किशनगंज को एक बार घुमाइए और भी नगर पंचायत नगर परिषद को घुमाइए, हमारा बहादुरगंज टॉप लेवल पर रहेगा स्वच्छता के मामले, स्वच्छता के मामले में। मेरा कहीं पे भी आपको अभी अगर कचरा कहीं दिखा, आप गूगल मैप से फोटो लेके भेज दीजिए नगर पंचायत, आपको 10 मिनट विद इन 10 मिनट्स में आपका कचरा उठ जाएगा। अच्छा, इस तरह का व्यवस्था हमारे यहाँ आपके तरफ से बनाया गया, बनाया गया है कि आप हमको व्हाट्सएप कीजिए हमारे नगर को, और हम अपना जो सुपरवाइजर उसको वहां तक पहुंचाएगा। तो कोई समस्या आ रही है? समस्या आती है, जो भी भेजता है समझ जाता है, होता है, समाधान होता है उसका जी, समाधान 10 मिनट में होगा आधा, या तो अगर आप सुबह 11 बजे से पहले करते हैं तो उसी वक्त हो जाएगा, या फिर आपको शाम को 4 बजे के बाद करते हैं, दोपहर में क्या है कि थोड़ा सा जब तक कचरा लेके चला जाता है, सुबह और शाम दो टाइम हमारा सफाई होता है, पहले एक टाइम हुआ करता था। बाकी नगर में पार्क की भी आप मतलब बात कही थी, और पार्क मैंने बनाने का कोशिश भी किया, बनाया थी, शुरुआत भी किए थे आप जी, हमने उसमें झूला वगैरह जो बच्चों का खेलने का सारा लगाया, अभी फिर हमारा वहाँ पे तालाब का जीर्णोद्धार हो गया, पार्क के अंदर में काम हो गया, ओके। कुछ वहाँ समस्या आ रही थी रोड की, जो हॉस्पिटल वाले ने अतिक्रमण करके हमारा गेट को बंद कर दिया, हम भी कवर किए थे जी जी जी, हमारा मेन गेट को ही बंद कर दिया, इस पर हमने डीएम साहब को भी लिखा था, लेकिन प्रशासन इस पर पहल नहीं किया। कुछ रसूखदार लोग थे जिसका प्रभारी यहाँ पे अभी बनी हुई है, जो भी प्रभारी यहाँ पे बनी है वो रसूखदार लोगों के लिए है, और वहाँ पे प्रभारी कभी यहाँ मौजूद नहीं रहती है, वो अपना मोबाइल का लोकेशन से भी यहाँ रखती है। आप अगर वीडियो कैमरा, आप उसका सीसी कैमरा में अगर
चेक किया जाए तो ये प्रभारी आपको नहीं मिलेगा, हफ्ता में एक बार नहीं आती, एक बार आती होगी शायद। अच्छा अच्छा, इस तरह का प्रभारी, इस प्रभारी को जब तक यहाँ तबादला नहीं होगा हमारा हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधरेगा ही नहीं। इस प्रभारी का इससे पहले भी बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी शिकायतें, फिर कहा तो खुद अब कवर करने गए थे एक बार, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता यहाँ। भाई हम विधायक जी गए थे, खुद कंप्लेन किए थे, सांसद जी खुद किए थे, क्योंकि उसका रसूख इतना लेवल पे है कि उसको यहाँ से कोई तबादला ही नहीं कर सकता। पता नहीं क्या 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 मतलब है, क्या कुछ सुनने में आया कि राजनीति उनका आपस में हुई। मैं बताया ना, वही चीज है। और क्या हमको राजनीति से क्या मतलब, हमारे यहाँ को व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था उसके वजह से चरमराया हुआ है। यहाँ पे इधर लूट रहा है, हॉस्पिटल में लूट हो रहा है, गरीब लोगों को लूटा जाता है यहाँ पे हमारे बाद हॉस्पिटल में। हम लोग बोलते हैं, लिख के देते हैं, फिर भी इसका कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। हम लोग को नहीं कि हम सस्पेंड कर दे, मेरे कलम में तो है, अंडर में तो है, जी है, मेरे अंडर में हॉस्पिटल है, नगर के अंडर में, लेकिन हम किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते ना। सस्पेंड नहीं कर जी, डीएम साहब को कई कंप्लेंट दिया, डीएम साहब को पहले खबर हो जाती है कि कंप्लेन हो गया, इस तरह का व्यवस्था उसके पास। तो आपका 2 साल लगभग होने वाला है, 1 महीना समय बचा हुआ है, 1 महीना से भी कम समय बचा हुआ है, तो 2 साल भी और 3 साल आपके पास समय है, तो इस 3 साल में और क्या क्या करने का आपका कुछ प्लान है? 2 साल में हमने जितना कि अपने ऊपर वाले के कर्म से, आप अगर रोड को ले लीजिए, नाला को ले लीजिए, सफाई को ले लीजिए, एजुकेशन में थोड़ा बहुत ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा लाइब्रेरी के लिए हम काम करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी के लिए कागज़ दिया हुआ है, लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह बन जाएगी बहुत जल्दी। उसके बाद आपका स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो बता ही दिए कि हमारा हॉस्पिटल का बड़भारी जब तक तबादला नहीं होगा हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। बाकी रोड नाला वाला ये सब का काम जी, रोड नाला तो आप जितना नहीं था उससे ज़्यादा बन चुका है, कहने का मतलब अब हमको खोज के निकालना पड़ता है कि हमको रोड नाला कहाँ बनाना है। बाकी आप एक बार इलेक्शन भी लड़े थे लोकसभा का, जो कि हाँ बहुत पहले की बात है, मौलाना साहब के खिलाफ मुस्लिम लीग पार्टी से जी। और बाकी लोकसभा इलेक्शन तो बीत गए, अब विधानसभा आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ और आपका प्लान है कि नहीं विधानसभा में उतर उतर जाए? हम जो उस वक्त इलेक्शन लड़े थे लोकसभा, हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, काउज ये था कि हम लोग एजुकेशन मूवमेंट उस वक्त अलीगढ़ के लिए चला रहे थे, हमारी पूरी टीम थी जो किशनगंज को AMU की जमीन दिलाने के लिए 2 साल तक लगातार एक बड़ा क्या कहते हैं तहरीक चली थी। तो हम लोग उस तहरीक से ये फायदा हुआ कि अलीगढ़ को जमीन तो मिल गई, लेकिन यहाँ के कुछ राजनेताओं जिसको अभी आप बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हैं, यहाँ के राजनीति में उसका अच्छा वर्चस्व रहा करता था, उन्होंने कुछ केस करवा करके BJP वाले ने उसको रोकवा दिया कि ये नदी के किनारे ये अलीगढ़ बन रहा है, ये नदी को NGT में उसको केस करवा दिया, जिसकी वजह से पर्यावरण में कुछ खलल पहुंच सकता है। तो अब वहाँ देखिए कि नदी के जस्ट किनारे पुलिस कैंपस, पुलिस लाइन बन रहा है, देख रहे ना, पुलिस रेसिडेंशियल बन रहा है एकदम नदी और उसके ऊपर में बन रहा है, ऊपर में बन रहा है। दूसरा कृषि महाविद्यालय आपको बना हर्राबाड़ी में, वो नदी के ऊपर बना, और ये तो काफी दूर है उसे, ये कम से कम नहीं है तो बहुत 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर उसमें कंस्ट्रक्शन होने दी। ये राजनीति किया गया सोच समझ के, जानबूझ के, यहाँ के लोगों को, यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, और हमारे यहाँ के जो लड़के जो कहते हैं तालीम के जो दुश्मन है, ये इन लोगों ने ऐसा काम किया। तो जो आप बता रहे हैं कि राजनीति में उसके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था, बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं राजनीति में अभी, जो भी है नाम हम तो खैर नहीं लेंगे जो भी है, लेकिन कारण क्या है कि मुस्लिमों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी यहाँ पर जिसको रोक लगा दी गई है, और फिर भी उसको यहाँ के लोग वोट देते हैं, तभी तो वो आगे बढ़े हैं ना जी। तो कारण क्या है कि भाई तुम मेरे खिलाफ हो और हम तुम्हारे साथ हैं? देखिए अलीगढ़ जो यहाँ सेंटर बन रहा था ये मुस्लिमों के लिए नहीं है, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला जो ग्रेजुएट है वो हिंदू है। हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो ऐसा कर रहा है वो शिक्षा का दुश्मन है, शिक्षा तालीम का दुश्मन है, तालीम का दुश्मन है, या मजहब को हम नहीं समझते, तालीम का जो दुश्मन है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो वो दुश्मन है, तो वो समाज का दुश्मन है, वो समाज के ऐसे अनासिर हैं या सामाजिक तत्व उसको कहा जाए, नेता ना कहा जाए तो बेहतर है, ऐसे लोग हैं, एक चोला पहने हुए है नेतागिरी का, आप सफेद पोश में है और नीचे से काम कर रहे हैं, शिक्षा का दुश्मन है आप, और एक छोटा सा केस करवा करके NGT और NMCG में मामला को फंसवा देते हैं, आप तो भी समझ रहे हैं। तो ये जो मामला अभी तक जो फंसा हुआ है तो वही वाला केस की वजह से उसे इंजेक्शन लगा हुआ है। अगर कुछ कमियां, एक तो उन्होंने मतलब खिलाफ किया, लेकिन फेवर में भी हमारे यहाँ के जो नेता थे काम नहीं किया, हमारे लोग जो हमारे MP MLA हुआ करते थे वो लोग भी फेवर में काम नहीं किया, क्यों?
उसी के ये हम इलेक्शन लोकसभा लड़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सोनिया गांधी आकर के ये कही थी कि 450 करोड़ रुपया अगर जमीन दिला देते हैं तो 450 करोड़ रुपया हमारे पास रखा हुआ है किसानन सेंटर के लिए। तो जमीन हम लोग लड़के लिए 450 करोड़ नदर, 450 रुपया नहीं मिला। और हम लोग 6 महीना तक लगातार दिल्ली वगैरह हर जगह घूम के आ गए, कहीं पे भी हम लोग का फाइल को मतलब फाइल को दबा दिया गया, फंडिंग हुआ ही नहीं, पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ, आज तक एक पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ। और अब तक अगर देखा जाए तो यहाँ का जो मुख्य राजनीतिक केंद्र AMU ही बना हुआ है और लोग उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति करना उस पर ये बहुत निंदनीय है, और राजनीति कीजिए तो शिक्षा पर कीजिए, शिक्षा दिलाने और देने के लिए कीजिए, डेवलपमेंट पर कीजिए, बेरोजगारी पर कीजिए और समाज को सुधारने के लिए राजनीति कीजिए। राजनीति करने का मतलब नहीं है कि हम उसको सिर्फ एक एक घाव को आप बना दिए, उस घाव को नोच रहे खुरेद रहे, उस घाव को आप भरने नहीं दे रहे हैं। इस तरह के लोगों से हमको बहुत एलर्जी है। अब लोग भी इसी वजह से मैं किसी राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व नहीं रहा, मैं इंडिपेंडेंट ही रहता हूँ हमेशा। 2025 से आपसे सवाल था कि 2025 में अगर आपका कुछ प्लान प्लान है आने का कि बहादुरगंज से या फिर कहीं हमको और से? मेरा मुझे कभी भी शौक नहीं है कि मैं MLA या MP का इलेक्शन लड़ूं। मुझे सिर्फ ये दर्द सताती है कि हमारे किशनगंज जिला, खास के सीमांचल का जो हमारे लोग हैं, सीमांचल को हमेशा जो गद्दी में बैठे हुए हैं, बिहार की गद्दी पर, सीमांचल को हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। यहाँ का कोई भी डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। जब कोई हम लोग तहरीक छेड़े, एहतजाज हुआ, तब जाके उस पर काम हुआ। चाहे आप लोचा पुल को ले लीजिए, लोचा पुल के लिए 2 साल हम लोग संघर्ष किए हैं, टेरागाज के लोग और हम लोग उसमें हम भी शामिल, सब कोई शामिल हैं। उसके बाद MU के लिए संघर्ष किए तो जमीन मिली, टेरागाज पुल के लिए संघर्ष किए तो ये आपको लोचा पुल मिला हम लोगों को। ये है कि संघर्ष करने के बाद मिला, आज़ादी के अब तक 73-74 साल हो चुके हमको डेवलप। ये महानंदा पुल बना हुआ साहब 1965 में बना, 55-60 साल हो गया, फिर भी आज आपका एक ही महानंदा पुल क्यों है? महानंदा पुल किसी को भी ढह सकता है, एक तो महानंदा पुल, दूसरा तो हमको, मैं ये यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको कि हम लोगों को हमारे साथ सौतेला व्यवहार, हमारे साथ मतलब हमारे सीमांचल और खासकर किसान के साथ, तो क्यों हुआ है? क्यों हमारा राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। हम दूसरे के पार्टियों पर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देकर टिकट भी खरीदते हैं, फिर उसका इलेक्शन लड़ते हैं और उसके तावे रहते हैं। बिल्कुल। आज एक छोटी सी पार्टी VIP हो या हम हो या कोई भी हो, एक कैंडिडेट अगर जीतता है तो सरकार में शामिल होकर के मंत्रालय ले लेता है। बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, टिकट खरीद कर सिर्फ MLA बनना चाहते हैं कि हमारा अपना जिंदगी सुधर जाए, मेरा परिवार का 10 साल का मतलब जिंदगी भर हमारा पोता तक ये हो जाए, मतलब क्या कहते हैं हिफाजत में हो जाए, हमको उसका सैलरी मिलता आ रहा है, पेंशन मिलता रहा है। इसके लिए राजनीति नहीं करना, राजनीति करना इलाके की तरक्की और तालीम के लिए, यानी सब चीज़ की तरक्की, इलाके का हर तरह का विकास, चौमुखी विकास होना चाहिए। उसके लिए राजनीति करने के लिए आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाना है, ना कि पीछे जितने लोग, चाहे पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से जो पार्टियाँ आ रही है, इस पार्टियों को वोट दे करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आपको मिलेगा क्या, जन वितरण प्रणाली की दुकान में आप 5 किलो आटा और चावल ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आप तवक्को मत कीजिए। यही उम्मीद के साथ आप वोट देते हैं तो दीजिए। अगर हक लेना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेना चाह रहे हैं आप, तो आप आपको अपना राजनीतिक अपना बनाना होगा, अपना प्लेटफॉर्म बनाना होगा। आप जाइएगा 9वीं फेल के पीछे, आप जाइएगा हमारे जो बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने के पीछे, आप जाइएगा ऐसे ऐसे पार्टियों के साथ जो आपका हमेशा दुश्मन रहा है, आपको सिर्फ वोट लेने के दोस्त बनाता है। आपके लिए कभी कभी हम दर्दी नहीं रहा उन पार्टियों में। बिल्कुल। हैदराबाद से भी जो पार्टी आई, वो पार्टी क्या किया आपने, 8 साल आपका रहा, 8 साल, 8 साल से ज़्यादा हो गया आने का, उन्होंने आप तक एक क्लिनिक खोला, यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, डिग्री कॉलेज खोल देंगे टेरागाज में, क्या हुआ? 5-5 सीटें मिली आपको, चला गया, भाग गया, उसको भी संभाल नहीं पाया आप। क्यों? क्योंकि राजनीति में आप शामिल भी नहीं हो पाए अपना सत्ताधारी पार्टी में, क्योंकि आपको ले भी नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा भाई? कुछ तो वजह होगी, वजह है उसका नाम में, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को इत्तेहाद करते, हिंदू कहाँ जाएगा भाई? तो उसमें तो ऑल इंडिया भी जुड़ा हुआ है ना, ऑल इंडिया, वही तो हिंदुस्तान ऑल इंडिया वही हुआ ना भाई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब पूरे इंडिया का मुसलमान को इत्तेहाद कर रहे हैं, तो हिंदू कहाँ गया? आप एक सेकुलर देश में रह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद करते ही अलग रह गए और उधर से दूसरा इत्तेहाद हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे पार्टियों की यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है। आप जिता भी दीजिए, जज्बात में कुछ भी कर सकते हैं, आप जज्बात में अपने आपको आप उड़ा भी सकते हैं,
है कि नहीं है? अब सुसाइड भी कर सकते हैं जज्बात। 2020 में तो फिर 5 विधायक जीते थे, वही तो हम बोले ना, जज्बाती जज्बात में। अब राजनीतिक शऊर अगर है तो आप समझिए कि अगर है तो फिर हम क्यों हैदराबाद के पीछे जाएंगे? क्या हमारे अंदर, हमारे मिट्टी में ऐसा लाल कोई पैदा नहीं हो सकता है कि यहाँ का एक राजनीतिक पार्टी बना ले? क्यों? अख्तरुजमान साहब यहाँ के बहुत बड़े नेता है, मास्टर मुजाहिद साहब बहुत बड़े नेता है, हमारे यहाँ के क्या कहते हैं एमपी साहब बहुत बड़े एमपी रहे, सब मिलकर के अगर दो बार जीत गए, हमारे ही लोग है ना ये हमारा ही भाई, हमारा रिश्तेदार है सब। यहाँ पे मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब आए तो एक इनकलाब ये लाया कि हमारे यहाँ के लोकल एमपी चुना गया सबसे पहली बार। अब लोकल एमपी जब चुना गया तो लोकल हमारी पार्टी और अपना अस्तित्व राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है मैं उसी पार्टी में जाऊंगा, राजद में जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा, तो जाऊंगा तो मैं अपना हिस्से अलग होगा, मेरा कुर्सी अलग लगेगी, ना कि आप कुर्सी पे बैठ के पैर पे पैर रखे, मैं यहाँ बेंच पे बैठा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन हमारा गवारा नहीं देता है। बाकी लोगों का दे, ठीक है, आटा चावल के लिए वोट देना है दीजिए, और बाकी चीज के लिए अगर वोट देना है तो फिर आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व पैदा करना होगा। तो क्या 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 लगता है कि सीमांचल को भी ऐसा पहल करनी चाहिए? करनी चाहिए, छोटी छोटी पार्टी जब तक नहीं होगी इलाके का विकास नहीं होगा। जैसे कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा देख लीजिए, वो अपने इलाके में वो अच्छा खासा वो अपना एक ही सीट है ना, पैड बना हुआ, एक ही सीट है, वो मंत्रालय मिला है, मंत्रालय मिला, केंद्र में मंत्रालय मिला है, आप प्रेशर बनता है उससे, प्रेशर बनता है, राजनीति में प्रेशर बनाना है तो आपका अस्तित्व अपना पैदा करना होगा। बोल रहा है कि नहीं बना पाएगा, बड़े बड़े लोग नहीं बना पाए, क्या क्या नहीं होता है, जिसका दो पैर नहीं वो पहाड़ चढ़ जाती है एक औरत, बिल्कुल बिल्कुल है, जो जिसका दो पैर कट गया और वो पहाड़ चढ़ गई, ऐसा हो सकता है? कोई भी चीज इम्पोसिबल नहीं है, लेकिन सोच और जज्बात, जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, करते करते जब मैं खोने के लिए क्या, करने में क्या जाता है, करेंगे होगा कि एक ना एक दिन आएगा, अपना भी वक्त आता है कभी कभी, कोशिश कीजिएगा तब ना। अल्लाह ने कहा कि कोशिश कर, तुम पीछे मुड़ के मत देख मैं क्या दे रहा हूँ, तुमको उसका फल मिलने वाला है। तो राजनीति में अगर आते हैं तो राजनीति का एक सोच रखिए, राजनीति में अपना वजूद बनाइए और अपना अपना प्लेटफॉर्म बनाइए, ये कहने का मतलब है। आप जाएंगे बोले, आप कोई कहेगा कि दो सीट लेके क्या कीजिए, दो सीट एक सीट में सीएम बना है, बिल्कुल बनाया कि नहीं इतिहास? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कहा जाए तो चलिए कोई बात नहीं, सीमांचल किशनगंज के अदर नेता कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं कर रहे इस मामले पर, तो वसीकुर रहमान साहब क्या कुछ पहल कर रहे हैं? मैं पहल कर रहा हूँ, मैं पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ कि मेरी अपनी एक पार्टी है सीमांचल में, सीमांचल में लगभग 24 सीट है, 24 सीट पर अगर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और उसके लिए अगर मेहनत करेंगे, सब जितना मैंने नाम लिया राजनेता वो सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि सीमांचल के राजनेताओं के बगैर कोई सरकार बन जाए, इम्पॉसिबल है। सीमांचल में 24 सीट के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना सकती है, बीच में होता नहीं जैसे अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कम सीट को लेकर भी वो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो भाई किंग मेकर बनने के लिए, किंग मेकर बनने के लिए आप सोच ही नहीं रहे उतना, आप हमेशा सोचेंगे हम झोला ढोएंगे दूसरे पार्टियों का, झोला ढोते रहिए, आपका बच्चे भी ढोएंगे, कल भी आप झंडा ढो रहे थे किसी पार्टी का, आपके बच्चे भी ढोएंगे, आपके पोता भी ढोएगा, कुर्सी लगाएगा, माइक सजाएगा, उन्नू के लिए वो हेलीकॉप्टर से आएगा, भाषण देकर निकल लेगा, क्या आपके अंदर में, आपके बेटा के अंदर में वो चीज नहीं है कि आपका बेटा भी हेलीकॉप्टर में जाके बैठे? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं है, हम लोग क्या अलग इससे आया है, ग्रह से थोड़ी ना है, सोच डेवलप करना पड़ेगा, सोच डेवलप करना चाहता भी है कोई तो उसको डिमोलाइज किया जाता है, बिल्कुल क्या होगा तुमसे, ये दुनिया का दस्तूर है, बोलते रहेगा, काम कीजिए, जब आगे बढ़िएगा तो फिर वही लोग पीछे आएंगे। 25 में ऐसा कुछ प्लान हम है क्या? पूरा कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको वादा नहीं करेंगे 25 में कर ही लेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो फिर उस दिन हमारा सीमांचल में विधायक हर सीट से विधायक लड़ेगा, सीमांचल में विधायक के इलेक्शन लड़ेंगे तो पार्टी, उसके लिए पहल भी शुरू कर दी है, कुछ रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जी बहुत जगह अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ राजनेताओं को रास नहीं आ रहा, वो कहता है बेकार है सब, बहुत तस्लीम साहब भी करके करना चाह रहे थे नहीं कर पाया, इतना बड़ा नेता रहे। अब आके सीमांचल के लोगों से फिर लोगों का कैसा क्या लगता है कि लोग सपोर्ट कर पाएंगे? सीमांचल में आपको 4 जिला है, सोच डेवलप हो गया है कि कांग्रेस आरजेडी जेडीयू ये सब के सोच डेवलप हो गया, इसको वहां से बाहर करके अपने तरफ लाना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हर चीज होता है कि एक नया चीज जब लाइएगा ना तो मुश्किल है, मुश्किल जरूर लगता है, मुश्किल होता भी है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पेड़ आप लगाइएगा जरूरी नहीं कि आप फल खा लीजिएगा, आपके बच्चे तो खाएंगे, आने वाली नस्लें तो खाएगी, तो जब आप पेड़, मेरा दादा नहीं लगाता, जब हम आम का खाते, नारियल खाते, मेरा दादा लगा तब ना खा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल।
अगर हम लोग पहले क्या होता है कि पहले हम लोग पुराना था, ट्रेडिशनल है, हमारा राजनीति भी ट्रेडिशनल बन गया है। जो मेरा बाप दादा फलाना पार्टी को वोट दिया था हम भी उसी को देंगे। चेंज कीजिए भाई, मेरा बाप दादा के पास मोबाइल नहीं था, आपके पास मोबाइल क्यों है? आपके पास बाइक है, उसके पास बैलगाड़ी था, वो हल जोतते थे बैल से, आप ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। जमाने के हिसाब से, जमाने के हिसाब से आपको बदलना चाहिए, और जज्बात में नहीं, हम मुसलमान हम हिंदू वो नहीं, सेकुलर होकर के काम कीजिए और इलाके की तरक्की के लिए काम कीजिए, तब काम होगा। अच्छा वसीकुर रहमान साहब, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस अपने पैठ बनाए हुए हैं, ऊपर से यहाँ पर एआईएमआईएम और जनसुराज ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, फिर आप अपना खुद की अगर पार्टी बनाते हैं तो क्या लगता है कि सीमांचल के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गए हुए हैं, हाँ उधर मेहनत भी हो रही है, उधर जी जी मेहनत भी हो रहा है। जनसराज भी आया, देख लिया उसका परफॉर्मेंस भी देख लिया, अभी कुछ इलेक्शन भी हुआ, बाय इलेक्शन हुआ ना, कैसा परफॉर्मेंस रहा आप तो देख ही लिए। दूसरा है कि मीम का भी तो परफॉर्मेंस आप देख लिए, 5 सीट जीते, कहाँ से कहाँ गए, अब उसका रेशियो घट रहा है, लोग समझ रहे हैं कि हम वो जज्बाती नहीं होना है। कुछ लोग जज्बाती होते हैं, अभी एक ही फैमिली में 5 भाई है तो 5 भाई एक ही तरह नहीं होता है, कोई जज्बाती भी होता है। तो आपको क्यों रिस्पॉन्स मिलेगा, आप क्या कर रहे हैं और वो पार्टियों ने क्या किया आपके लिए? ठीक है, आप जन स्वराज की बात बोल रहे हैं, मीम की बात है, मीम ने आपको इस इलाके को क्या दिया, जन स्वराज ने इस इलाके को क्या दिया, या क्या किसी तहरीक में शामिल हुआ, या कोई हमारे सीमांचल की तहरीक के लिए कुछ काम किया? नहीं, सिर्फ आए, टिकट जो भी हुआ, उल्टा पुल्टी खरीद बिक्री का भी मामला आया, इलेक्शन जीते भी, सारा कुछ हुआ, फिर क्या हुआ? ठीक है, वहाँ तक तो पहुँच गया, हमारे लोग वोट भी दिए उनको, हम लोग वोट भी दिए ना, बिल्कुल जिताए तो 5 सीट आपको, फिर 5 सीट आपका गायब हो गया, 4 सीट, 1 सीट आपका रह गया, क्यों? अब उसमें जाइएगा तो बहुत बड़ी बातें हैं, क्यों नहीं लिया, काहे लिया, बहुत सारी बातें हैं, क्यों भागा, क्यों ऐसा किया हुआ तो भाग गया, खरीद आपको दूसरी पार्टी आपको खरीदना, आपके विधायक को खरीद सकती है, लेकिन आपको शामिल नहीं कर रहा, क्यों? ये एक काउज पता कीजिए, कुछ तो वजह है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर आए हुए थे बहादुरगंज, आपकी इसमें एक तस्वीर भी थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी, और आज आप अपने खुद का पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उस तस्वीर के बारे में जो आप? तस्वीर तो हमारा किसके क्या कहते हैं, हमारा हर नेता राजनेताओं के साथ है, आप खाली उसी के साथ मत भेजिए, हमारा आपको नीतीश कुमार के साथ भी तस्वीर है कि नहीं है? पिछले इलेक्शन में नीतीश कुमार का भी हम फेवर में कुछ बोले थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो दिया था, क्योंकि उसका हम मतलब उसके बारे में बताया थे, हम ये नहीं बोले थे कि भाई वो बीजेपी में चले जाए या उधर चले जाए, हमको नहीं है बीजेपी से मतलब, ना हमको नीतीश कुमार से जदयू से मतलब है। तस्वीर वो आई थी हमारे नगर में, आए थे नगर में, हमारा यहाँ मेहमान अगर कोई आता है, कोई हमको दावत देता है, हमारा लाजमी होता है मैं उनके यहाँ जाऊँ, तो आए थे, उसको कोई राजनीति की बात नहीं होती, वो बोलते कि इलाके की हालचाल और इलाके के जानकारी के लिए और इलाके की बातों को रखने के लिए उन्होंने हमको वहाँ पर बुलाया था, तो मैं वहाँ पे वही बात बताया था कि आप यहाँ आया है, राजनीति पार्टी हमारा बनेगा, तो बनेगा तो ठीक है भाई, जब बनेगा तो हमारा मर्जी होगा, हम रहेंगे, नहीं होगा नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों का अपना क्या वजूद है, वही बताया। अच्छा, जन स्वराज के जो पीके साहब हैं वो खुद वहाँ पर बताया कि आपका क्या है, आप तो दूसरे पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, वही आदमी बता रहा है जो भी वो भी पार्टी बनाने जा रहा है, समझे मेरी बात को? तो कहीं उधर से ही मोटिवेट नहीं, मोटिवेट तो हम पहले से, आज हम मोटा मोटी 2009 से हम लोग चाह रहे हैं कि एक पार्टी हमारा हो, 2009 से जब हम लोग तारीख चला रहे थे ना, उस तहरीक से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी राजनीति की गुजरत हो, क्योंकि हम लोग को राजनीति के लोगों ने बहुत धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत धोखा दिया दिया नहीं। आप एएमयू को फंड अगर चाहता, 2011 में हमको जमीन मिली है ना दिसंबर में, 2014 तक तो आप ही रहे, 14 में बीजेपी आया, तो आप 2.5 साल में 1 रुपये का फंड रिलीज नहीं किया साहब, हमारा फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, 400 करोड़ का वादा करके आपने 4 रुपया नहीं दिया, जब फिर इलेक्शन का टाइम आया तो वहाँ शिलान्यास करने के लिए आ गई, तो यहाँ पे धोखा मिला है हम लोग को, हर पार्टी से सीमांचल और किशनगंज वाले को धोखा मिला है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ के नेता है एएमयू को लेकर के, चले कोई बात, वो राजनीति चमका रहे हो या फिर वो सच में वो एएमयू के बारे में मुखर रख करके बोल रहे हो और आवाज़ उठा रहे हो, जा करके मिल भी रहे हैं मंत्रियों से और भी बाकी नेताओं से, लेकिन यहाँ पर जो तेजस्वी यादव है जो कि हमेशा सीमांचल की हक के बारे में बोलते हैं, मुसलमानों के हक के बारे में बोलते हैं, वो आज तक एएमयू के बारे में एक
ये भी शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ शामिल थे तो वो भी इस बारे में कभी कोई पहल नहीं की है, ऊपर तक कोई पहल हुआ ही नहीं, बस नीचे नीचे ही दबके रह जाता है। अरे भाई यहीं पे एक सिंपल सा बात समझिए, मैंने बोला एर्राबाड़ी कृषि विद्यालय बना नदी किनारे, वो नदी किनारे है बिल्कुल, एकदम नदी के ऊपर बना। पुलिस लाइन अभी अभी अंडर प्रोसेस है, काम भी हुआ, कितना बिल्डिंग बन गई, वो काम हो रहा है, बिहार गवर्नमेंट के अंदर में हुआ ना, एमयू को क्यों नहीं हुआ? एमयू में सब कुछ चाह रहा है कि एमयू नहीं हो, एमयू होगा यहाँ के बच्चे पंता खा कर भात खा करके पढ़ लेंगे, और पढ़ाई का दुश्मन है सब, शिक्षा का दुश्मन, जब शिक्षा ले लेगा हमारा यहाँ का बच्चा तो हो सकल आ जाएगा। क्या आज हम बोल रहे हैं ना कि हमारा अपना राजनीतिक वजूद हो, ऐसा कौन बोल रहा है आपको? क्या लगता है अपने सीमांचल में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, शिक्षा के बाद रोजगार की जरूरत है। आज हमारे यहाँ के लोग रोजगार करने के लिए बाहर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हर घर से दो तीन आदमी बाहर है। जब से हम पैदा हुए तभी से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग पलायन करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उसको रोक कैसे लगेगी? मेन रोक, आप यहाँ रोजगार का पैदा कीजिए तो अपने आप रोक लगेगी, लगेगी ना। जब यहाँ पे रोक तभी लग सकता, रोजगार के यहाँ पे साधन किया जाए। यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ रॉ मटेरियल चाय पत्ती है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल धान है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जो ज्यादा क्वांटिटी में मक्का पैदा होता है, हमारे यहाँ जूट होता है, पटुआ जिसको बोलते हैं, अनानास होता है। क्या इसका प्रोसेसिंग प्लांट बना करके यहाँ के लोगों को कुछ हद तक रोका नहीं जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कितना प्रोसेसिंग प्लांट है पूरे हमारे जिले में या पूरे हमारे सीमांचल में, कितने कल कारखाने हैं? क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट है यहाँ पे? क्या करेगा सिर्फ बड़े बड़े लोग ईटा का भट्टा लेकर के हमको पोल्यूशन दे रहा है, अपने अपने पॉकेट को गरमा रहा है, लोगों के इलाके के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। और यहाँ के ईटा के भट्टों में काम कहाँ के लोग करते हैं? बंगाल के लोग आके काम करते हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोगों को तो वो भी काम। अच्छा, वसीकुर रहमान साहब से अगर पूछा जाए कि अगर वो अपने पार्टी लॉन्च करते हैं अपने सीमांचल में तो सबसे पहला मेन फोकस किस पर रहेगा और विचारधारा क्या रहेगी इस पार्टी की? हमारा विचारधारा मतलब कि हमारा एजुकेशन, स्वास्थ्य और रोजगार और हमारा चौमुखी विकास हमारा काम हो, और हमारा अपनी राजनीति अपना वजूद हो सबसे पहली बात। सबसे पहला तो मेरा है कि हमारा राजनीति में हमारा अपना भागीदारी होगा, अपना हिस्सेदारी अलग होगा। हम रहेंगे उस सत्ताधारी के साथ विपक्ष जहां भी रहेंगे तो हमारा एक अलग पहचान होगा सीमांचल का, किशनगंज का एक अलग पहचान होगा, सीमांचल का एक अलग पहचान होगा। आज हमको नक्शा में तो है लेकिन हमको कहीं गिना नहीं जा रहा, सब जगह हम पीछे हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी जो राजनीति हो रही है देखा जाता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, खास करके बीजेपी की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, चाहे गिरिराज सिंह हो, प्रदीप सिंह हो, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की राजनीति पर? देखिए ये तुच्छ राजनीति है और ऐसे राजनीति करने वालों को मतलब राजनीति के में जब घटियापन जब आ जाता है तब वो धर्म की राजनीति करने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब विकास की राजनीति नहीं होती है तब धर्म की राजनीति, विकास जब नहीं कर पाइएगा तो धर्म की राजनीति करना होगा, और जो धर्म की राजनीति से करके सत्ता में आना चाहता है वो बिल्कुल घटिया किस्म के लोग हैं, चाहे जो भी बोल रहे हो ABCD, ऐसे घटिया लोगों के पक्ष में हम कभी नहीं करना चाहते हैं। और राजनीति कीजिए आप अपने मुफाद के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए क्या है, आपको क्या चाहिए, गाड़ी घोड़ा खाना पीना ये तो सबके पास, मेरे पास भी है सब, बिल्कुल बिल्कुल है, जगह जमीन जायदाद सब है, बिल्कुल हमको क्या चाहिए, हम 10 किलो अनाज तो एक टाइम में नहीं खा सकते तो, लेकिन लोगों के लिए आपने आपकी जो आपका जो वजूद बना है, ऊपर वाला जब आपको धरती पे भेजा है किस लिए भेजा, क्या आप अपने बीवी बच्चे और अपने परिवार तक महदूद रहना चाह रहे हैं? लोगों के बारे में करना चाहिए, बिल्कुल पूरे कायनात में आपको अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब क्या कहते हैं पैगंबरी के बाद आपको वो काम मिला है, आप उनके उम्मत हैं, पूरे इंसानियत के लिए जब वो मिसाल था तो आप उसी काम की खिदमत के लिए और रहबरी के लिए पैदा हुए हैं, तो कौन बनेगा? सिर्फ अपने पेट, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार तक अगर सीमित है तो फिर अपना पेट तो एक जानवर भी पाल लेता है। अच्छा, एक वो आपके जो पार्टी के बारे में बता रहे, तो पार्टी में कुछ नामों में ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है? देखिए पार्टी में हम लोग 2-3 नाम रखे हुए हैं, जब नाम अगर डिसाइड हो जाएगा तो आपको हम आपको खबर पहले ही हो जाएगी क्योंकि आप तो रास्ते में रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे बहादुरगंज नगर पंचायत मुख्य पार्षद प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब, मैं हूँ फिरदौस गनी। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई आप नीचे सभी तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपका इसके बारे में क्या कहना है, जो भी आपका सोच है आप भी अपना सोच अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं हूँ फिरदौस गनी, मेरे साथ है मेरा सहयोगी महसर आलम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।